आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अर्जिता। देश की राजधानी दिल्ली से मोबाइल स्नैचिंग का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के अपराध रहित दिल्ली के दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक लड़की से मोबाइल झपटने की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बदमाश लड़की को 150 मीटर तक बाइक से घसीटते हुए ले जाते दिखाई देते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बाइक सवार बदमाश लड़की से मोबाइल छीनकर भागते हैं। वीडियो में लड़की सड़क पर घिसटती दिखाई दे रही है। वो 150 मीटर तक बाइक के साथ घिसटती चली गई और फिर वो गिर गई। गनीमत ये रही कि लड़की कार या बाइक के नीचे नहीं आई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की की मदद कर उसकी जान बचाई। बता दें कि पीड़िता दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के फोर्टिस अस्पताल में काम करती है। जिस वक्त पीड़िता के साथ ये वारदात हुई, तब वो अस्पताल से घर जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं इस मामले पर DCP नॉर्थ वेस्ट का कहना है कि आरोपियों ने लड़की का मोबाइल छीना था। इसके बाद वो आरोपियों की जैकेट पकड़कर उन्हें बाइक से गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाइक में फंस गई और दूर तक घिसटती हुई चली गई। इस मामले में शालीमार बाग थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि गुरुवार शाम को हुई इस घटना की जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस कब इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।